नमस्कार दोस्तों, अभी भी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में बड़ा हादसा हो गया है। एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई है। पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी है। मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां भेजी गई हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस को आग लगने की सूचना मिली थी। ये फैक्ट्री नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है। अभी तक किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। खबर लिखने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दिल्ली फायर सर्विस की 25 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। फैक्ट्री से काले रंग के धुएं की गुबार निकल रही है। आसमान में आग की लपटें दिख रही हैं। फैक्ट्री के ऊपर का पूरा आसमान काला हो चुका है। वहीं दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आसपास का पूरा इलाका भी खाली करा लिया गया है। यह हादसा कैसे हुआ, इस बारे में अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। किसी के घायल होने या हताहत की खबर अभी तक नहीं है। पता जा रहा है कि इस फैक्ट्री में प्लास्टिक दाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान दोस्तों ये भयानक आग लग गई है। आग किस वजह से लगी है अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन युद्ध स्तर पर आग बुझाने का काम चल रहा है। अतिरिक्त गाड़ियों को और मंगाया है। 25 गाड़ियां मौके पर तैनात हैं जो लगातार पानी की बौछार कर रही हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां जबरदस्त आग लगी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।